नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज का जो टॉपिक है वो बामू सेट बामू पेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए विद्यार्थी मित्रों बामू ही नहीं अदर यूनिवर्सिटी के जो पेट एग्जाम होते उनके लिए भी का आ, मतलब वो फायदे बेनिफिशियल है विद्यार्थी मित्रों तो चलिए देखते कि ये जो कंसेप्ट है वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं मतलब जो एम पैटर्न है वो देखिए अभी पहला एम सी क्यों क्या है विद्यार्थी मित्रों माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव देन माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव देन तो ऑप्शन दिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस मतलब जो टीचिंग प्रैक्टिस होते हैं उसमें प्रिपरेशन करना ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के वक्त टीचिंग में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस होने के बाद और ऑलवेज एनी टाइम जो आप यूज़ कर सकते हो तो इसका सही जवाब विद्यार्थी मित्रों ए ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस मतलब जो आप टीचिंग कर रहे हो उसकी उसके दौरान जो होने वाला है वो माइक्रो टीचिंग होता है उसके बाद विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन तो माइक्रो टीचिंग टीम टीचिंग कॉरपोरेटिव टीचिंग माइक्रो टीचिंग मैक्रो और माइक्रो इसमें जो माइक्रो माइक्रो मीन्स लेस लेस होता है विद्यार्थी मित्रों और मैक्रो मीन्स बड़ा मेजर यस बराबर मतलब लेस और मेजर दोनों इक्वल है तो इसका सही जवाब विद्यार्थी मित्रों इट इज़ अ डी मैक्रो टीचिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू मतलब कुछ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते टीचिंग थ्रू मतलब कौन सी मेथड है टीचिंग में कि जिसमें बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते तो इसका देखिए अभी डिस्कशन मेथड लेक्चर मेथड एडियो विजुअल एड्स टेक्सबुक मेथड तो इसमें मोस्ट ऑफ द देखिए विद्यार्थी मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पॉजिटिव आंसर क्या लग रहा है डिस्कशन मेथड तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट द बेस्ट मेथड इज टू द मतलब इसमें से बेस्ट मेथड कौन सी है इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन आ स्टूडेंट टू रीड बुक्स सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल एंड इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेंट इन इट तो इसका सही जवाब विद्यार्थी मित्रों इनिशिएट अ डिस्कशन मतलब जो आप पढ़ाया पढ़ाते हो इसका डिस्कशन करना और पार्टिसिपेंट करना उसके बाद देखते हुए जाते मित्रों डिस्कशन मेथड कैन बी यूज़ वैन मतलब जो डिस्कशन मेथड है कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है तो द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक इज इजी द टॉपिक इज डिफिकल्ट ऑल ऑफ द बो तो इट इज़ सही जवाब इसका टॉपिक इज डिफिकल्ट द टॉपिक इज डिफिकल्ट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज रिलेटेड टू एटीट्यूड वैल्यू एंड मोटिवेशन तो इसका सही जवाब विद्यार्थी मित्रों एफेक्टिव डोमेन डी इज अ करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें इस जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कौन सा आंसर सही है विद्यार्थी मित्रों टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर डिफेंडेंट वेरिएबल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर डिफेंडेंट वेरिएबल वाइल पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यस स्टूडेंट्स और टीचिंग एक में एक से डिपेंडेंट है और पेरेंट्स नहीं है उसके बाद ये टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंटरवेनिंग वेरिएबल तो इसका ये भी सही थोड़ा जवाब सही लग रहा है विद्यार्थी मित्रों स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सब्जेक्ट मैटर इज अंटर एबेटिंग वेनिंग वेरिएबल ऑफ द वो इसका सही जवाब है विद्यार्थी मित्रों टीचर आर इंडिपेंडेंट मतलब टीचर इंडिपेंडेंट है बट स्टूडेंट हाँ डिपेंडेंट है किस पे स्टूडेंट्स इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स एंड टीचर्स बट जो सब्जेक्ट होता है विद्यार्थी मित्रों वो सब्जेक्ट ये वेरिएबल होता है वेरी करता है इसके लिए वो बी आंसर इट इज़ अ करेक्ट आंसर एटोटीरियम टीचिंग इज अ एटोटेरियम टीचिंग इज अः देखिए अभी टीचर सेंटर लर्नर सेंटर सब्जेक्ट सेंटर एक्सप्रेंस सेंटर इट इज द करेक्ट आंसर टीचर सेंटर इसका क्या जवाब विद्यार्थी मित्रों टीचर सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक ऐसी कौन सी टेक्निक वो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक नहीं है क्वेश्चनर इंटरव्यू एटो बायोग्राफी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट तो मुझे लगता है विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चनर मतलब प्रश्नावली बराबर उसके बाद है इंटरव्यू है उसके बाद ऑटोबायोग्राफी और परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट इज अ करेक्ट आंसर क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं ना इसलिए वो परफॉर्मेंस टेस्ट आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऐसी कौन सी सी टेक्निक विद्यार्थी मित्रों वो प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है तो रूस स्किन इंक ब्लॉट ब्लॉन्ग टेस्ट उसके बाद है थेमेंटिक एसेप्शन टेस्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और पर्सन इन्वेंटर्स तो इसका सही जवाब विद्यार्थी मित्रों डी इट इज अ करेक्ट आंसर पर्सनल इंटरवे टोरीज तो आज का मतलब देखिए अभी मैंने दस क्वेश्चन ले विद्यार्थी मित्रों बाकी का जो है तो देखिए अभी गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया विद्यार्थी मित्रों इसके बाद ये अरेंज आप देख सकते हैं वो प्रश्न है मैं आपको होमवर्क के तौर पे ये सब होमवर्क के तौर पर विद्यार्थी मित्रों होमवर्क के तौर पे आपको दिया है तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट फीचर्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स कौन से फीचर्स नहीं है विद्यार्थी मित्रों एडल्ट लर्नर के दे आर मैचुरर्नर दे आर एक्ट रेशनलरी दे सर्च फॉर रेजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी दे कैन मेक बैलेंस चाइज ऑफ क्वेश्चन कंटेम्पररी वैल्यूज इसका जो आंसर विद्यार्थी मित्रों वो आप देख सकते हैं सी आंसर इसका सी आंसर इट इज़ अ सी एंड ई इज अ करेक्ट आंसर उसके बाद सिक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिस्निंग जो स्टेट जस्ट कंसेप्ट करते हैं उस वो सिक्वेंस आपको बताना है ये भी होमवर्क के लिए होमवर्क के लिए विद्यार्थी मित्रों होमवर्क तो आप देख सकते हैं होमवर्क के लिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मेथड लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड एक्टिव लर्निंग कॉर्पोरेटिव लर्निंग इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग पैसिव लर्निंग तो ये पर होमवर्क है ये सब होमवर्क के विद्यार्थी मित्रों आपको बाकी आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थी मित्रों धन्यवाद